कांग्रेस दलित जोड़ो अभियान समिति एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कैंट थाना स्थित जोनल कार्यालय पर स्वर्गीय अजय श्रीवास्तव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री अनिल सोनकर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अजय श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनिल सोनकर ने बताया कि स्वर्गीय अजय श्रीवास्तव एक मृदुभाषी एवं सच्चे पत्रकार थे तथा जब वह मिलते थे एक मधुर मुस्कान के साथ सबका स्वागत एवं हालचाल लेते थे। उन्होंने कहा, अजय श्रीवास्तव का यूं अचानक चले जाना जहां मीडिया जगत के लिए भारी क्षति है, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी उनके लिए शोक व्याप्त है तथा हम दलित जोड़ो अभियान समिति एवं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अजय श्रीवास्तव की असामयिक मौत पर शोक व्यक्त करते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को इस अपार दुख की बेला में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति और संबल प्रदान करें। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जय नारायण यादव, पीसीसी सदस्य यश ए रहमान, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिजीत पाठक, महामंत्री सुमित पांडे, इंजीनियर अमित कन्नौजिया, महानगर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रमोद निषाद, अभिषेक राय, युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष आदि अंश गांधी, सौरव शुक्ला, अरविंद कुमार, पूजा, दिनेश जायसवाल, छोटे लाल भारती, प्रभु कन्नौजिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री अनिल कुमार सोनकर ने कहा, अनिल सोनकर, जिला महामंत्री, मीडिया प्रभारी, गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी। आज गोरखपुर न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार भाई अजय श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, यकीन ही नहीं होता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे अचानक उनका जाना पूरे समाज को, पूरे राजनीतिक जगत में बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति थे और सबके साथ सबके कार्यक्रमों को वो जैसा जो समझ के सामाजिकता और जो व्यवहार दिखाते थे, बड़े सौम्य व्यवहार के थे। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है और ऐसे व्यक्ति को जाना बहुत ही, जैसे हम लोग शोक संतप्त हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज दिन भर शोक सभा का आयोजन चलता रहेगा यहाँ।